नमस्ते अक्षत गुप्ता सर, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ क्योंकि वर्ल्ड बुक फेयर में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो रही है, पर बहुत खुश हूँ कि आपके साथ आज इंटरव्यू कर रहा हूँ। बताइए। हाँ, तो जब भी आप रिसर्च करते हैं, तो जब रिसर्च करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ कौन सी लगी इंडियन कल्चर के बारे में? डरावनी चीज़ कल्चर, इंडियन कल्चर के बारे में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सबके पीछे ना कारण भी है रिधिमा। हम जैसे यक्षिणी होती हैं, yes. है ना, ऐसा वो डायन नहीं होती है या चुड़ैल नहीं होती है कि आप सिर्फ उनसे डर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं आत्मा, तो आत्मा के साथ फिर हम बोलते हैं बुरी आत्मा। तो जहाँ पे आ जाता है बुरी आत्मा, मतलब कि अच्छी भी होती होगी ना। हाँ, इसलिए आत्मा के पहले बुरी या अच्छी लगाना पड़ता है। तो वो नेगेटिविटी जो है ना, वो हम में ज़्यादा रहती है। अगर हम नेगेटिव हैं तो हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी करते हैं, अगर हम पॉजिटिव हैं तो जैसे मौत को एक बहुत बुरे रंग में, मृत्यु को एक बहुत बुरे रंग में देखा जाता है ना, बड़ा डार्क फेज देखा जाता है। पर अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो मृत्यु बस एक एक पड़ाव है, वो अंत नहीं है, एक पड़ाव है जिससे फिर एक नए जीवन की शुरुआत होती है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसी से सुना कि पेड़ से बीज अलग होता है, हाँ, और फिर उससे एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है। तो डरावना ऐसे कुछ नहीं, पर हाँ, मतलब और बात हिंदू कल्चर की नहीं है, हर कल्चर में कहीं में ज़्यादा है कहीं पे कम है, पर वुमेन को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कई सौ सालों से, वो थोड़ा डरावना है। क्योंकि हम धीरे धीरे अपनी सभ्यता और अपने अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। आप देखिए कि पहले जितने भी भगवान होते थे ना, उनके नामों के पहले उनकी अर्धांगिनियों का नाम लगता था, उनकी समकक्ष का नाम लगता था, जैसे गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सियाराम, राधे श्याम। तो उनकी उनका ओहदा, उनकी जगह हमसे पहले होती थी। फिर कहीं थोड़ा सा हम लोग सब फिसले एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, तो फिर वो बराबरी की बात आई। तो पहले तो वो बड़ी थी, वो आगे थी, फिर वो थोड़ा सा फिसले तो बराबरी में आए, और अब हमने उनको पीछे कर रखा है। तो कुल मिला के बहुत डरावनी बात है कि हम जिस तरीके से ज़्यादातर लोग वुमेन को ट्रीट कर रहे हैं अपने आसपास, रास्तों पे, घरों के अंदर, काम की जगहों पे, वो बहुत अच्छा नहीं है। और मुझे ये भी लगता है, देखिए जैसे आप ज़्यादातर भगवानों का नाम सुनेंगे, तो वो सब भगवानों का नाम ना मेल है, सिर्फ हम में नहीं, सब में, ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, मेल है, मेल। फिर अल्लाह साउंड्स मेल, दिखते नहीं है पर उनकी आवाज़, मतलब अल्लाह वो बोलते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वाला देख रहा है ना, वाली नहीं देख रही, नहीं रही है। वाली नहीं देख रही। वैसे ही आप आइए इसमें, गुरु नानक देव मेल हैं, है ना, उसके जीसस मेल हैं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि इन सब को दुनिया के अंदर प्रवेश करने की अनुमति देने वाली एक महिला होती है ना। अगर वो अलाउ ना करे तो कृष्ण और राम भी इस दुनिया में ना आ पाए। सच ट्रू। अब देखिए, अलाउ करने वाले दो लोग होते हैं। एक अलाउ करने वाला वो होता है जो दरवाजे पे बैठा होता है, जिसको हम दरबान या वॉचमैन कहते हैं, और दूसरा अलाउ करने वाला वो होता है जो उस किंगडम का, उस एम्पायर का, उस प्रोविंस का, उस राज्य का राजा या रानी होते हैं। वो डिसाइड करते हैं ना कि कौन अंदर आया कौन नहीं। आप लोग रानियां हैं, लेकिन आप लोगों को ना हम लोग तिरस्कृत करते 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 बस गेटकीपर बना के रखे हैं कि इनका काम बस ये है कि ये बच्चे पैदा करें। ये बहुत डरावना है। उसी के तहत फिर भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें हैं, ये बहुत डरावना है। भूत प्रेत हमेशा डरावने नहीं होते हैं, मतलब जो नहीं दिखने वाली शक्तियां हैं उनसे ज़्यादा डरावने हम दिखने वाली शक्तियां हो चुके हैं, वो ज़्यादा डरावनी। आप मानते हैं भूतों में? जी, मैं मानता हूँ भूतों में। देखिए, ये बहुत सच बात है कि आपको रात से घबराहट तभी होती, मतलब सुबह से प्रेम तभी होता है जब आपको रात के आने का डर हो। आप भगवान की उपासना, आप भगवान की प्रार्थना, ये सब तभी करते हैं जब आपको कुछ चाहिए होता है, और जब आप
मतलब कोई तो कारण होगा ना कि हनुमान चालीसा जैसी चीज में लिखा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हाँ। तो वो हनुमान चालीसा लिखने वाला भी भूत पिशाच मानता था, इसीलिए हनुमान चालीसा के अंदर लिखा। तो अगर भगवान है तो शैतान है, और मुझे लगता है कि अगर मैं शैतान होता तो मैं बड़ा प्राउड फील करता, क्योंकि मेरे होने की वजह से भगवानों की इतनी बखत है। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, हमेशा हर्ट नहीं करते हैं। पर देखिए, मैं मानता हूँ ना कि अभी जो हम शुरू में बात करते कि सोल, तो हम, मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि सोल की एक एज होती होगी, मुझे नहीं मालूम कितनी होती होगी, पर अगर 500 साल या 1000 साल होती होगी तो आप सोचिए कि उसको कितनी बार शरीर बदलना पड़ता होगा, है ना। तब जाके उसके सोल की उम्र, जैसे हम बोलते हैं कि एक युगा होता है और एक डिवाइन युगा होता है, तो युगा वो होता है कि जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन टाइम, है ना, लेकिन जो डिवाइन युगा होता है वो देवों का युग चलता रहता है, वो अलग चलता है ना। तो हमारे यहाँ, मतलब हम अगर यहाँ से देवों के समय में चले गए तो जब हम आएंगे ना तो हमको लगेगा कि हम एक साल बिता के आए, पर यहाँ कई सौ साल बीत चुके होंगे, उनका एक साल यहाँ बहुत सारे साल हो जाते हैं, है ना। तो वो सोल है जो एक शरीर से दूसरे शरीर जाके अपने उस टेन्योर को ख़त्म करती रहती है बार बार, और जब वो ख़त्म होता है तब मेरा मानना है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, अगर सब लेना देना आदान प्रदान सब खत्म हो गया हो तो। अगर बचा हुआ है तो फिर और बार आना पड़ता होगा। तो हाँ, ऐसा है। तो रीबर्थ भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। और रीबर्थ तो अब कोई मतलब कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या कोई मनगढ़ंत बात रह भी नहीं गई है, आप ढूंढेंगे तो आपको अनगिनत पूरे दुनिया में मिलते हैं, और हमारे देश में भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिले हैं जो पैदा हुए हैं और 4 साल 5 साल की उम्र में जैसे ही बोलना शुरू किए हैं तो किसी और ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। उन्होंने बता दिया है कि पिछले जन्म में मेरा ये नाम था, मैं इस गांव में रहती थी, मैं उस लेडी का नाम बोल रहा हूँ, उनका अभी अभी देहांत हुआ है कुछ साल पहले, पर उनको ये याद था और वो 5 साल की हुई तो उन्होंने बताया कि मैं उस गांव में रहती हूँ, मेरा पति है, 5 साल की बच्ची बोल रही है मेरा पति है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे को लेके चलो लेके चलो। तो शुरू में तो माय ब्रदर यूज्ड टू से दिस, जब वो छोटा था वो कहता था कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे बेटे हैं, वो मेरे को खाने नहीं देते टाइप, ऐसी चीज़ें में ब्रदर यूज्ड टू से दिस थिंग। हाँ, तो पुनर्जन्म वाली बात तो अब मिथ्या रह भी नहीं गई है, वो तो प्रमाणित हो गई है कि ऐसा होता है, हो चुका है। बस ये है कि हम सब लोग उसको याद नहीं रख पाते हैं कि पिछले जन्मों में हम कौन थे क्या थे, लेकिन आप असल में बड़े जो सिद्ध ऋषि मुनि लोग हैं उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको बता पाते हैं, अभी भी बता पाते हैं कि आप पिछले जन्म में आपका, अब मानना कितना है, नहीं मानना है जिसको, नहीं मानेगा। अब मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप भगवान पे मानते तो भगवान थोड़े ना दिखता है, या आप बोलते हो कि रामायण हुआ था और राम होते थे और उड़ने वाले हनुमान होते थे, तो ये सब आपने देखा थोड़ी ना, तो आप क्यों मानते हो। तो मैं बोलता हूँ भाई, तुमने कितनी बार ऑक्सीजन देख लिया, सांस ले रहे हो ना, हाँ, तो अब तुम बोलो कि नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं सांस, ऑक्सीजन थोड़ी ना जा रही है, ऑक्सीजन कहाँ दिखती। तो हर वो चीज़ जो दिखे वही सत्य है, ये सत्य नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम लोग अभी मच्योर नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए, जो हम देखने के काबिल ही नहीं हुए, तो हमको नहीं दिखती है। आपको जब आप रिसर्च करते थे तब आपको अपने आसपास कुछ वाइब, जिस फील, कोई इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ फील हुआ है कभी? मेरे आसपास ना रिधिमा एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब रहती है हर समय, और उसका नाम है बुलबुल। बुलबुल वो मेरी समकक्ष है, मेरी पत्नी है, और वो इतनी पॉजिटिविटी से भरी हुई है कि वो इकलौती शख्स थी जिन्होंने मुझे मेरे नेगेटिविटी से और मेरे डिप्रेशन से निकाला। मेरा जो अतीत है वो बहुत काला है, बहुत तकलीफ़ों से गुजरा हूँ मैं, और मैं सरवाइव नहीं कर पाता, मैं जीवित नहीं रह पाता। मैंने एक बार अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी, अगर ये मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं फिर से कोशिश करता, मैं इतना थक गया था और इतना हार गया था। लेकिन अब वो हर पल हर समय मेरे साथ रहती हैं, और उनके वही है मेरी शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति। आपको पता है आजकल मतलब काफ़ी लोगों को तो ऐसा लगता है कि 7 चिरंजीवी जी और
अवतार जो हैं नवतार वो सेम है। हाँ ये फर्क ही नहीं पता उनको जी। हम लोगों की हम लोग का नॉलेज बहुत कम हो गया है आजकल। मैं कई बार बच्चों से मिलता हूँ तो आजकल मैं उनके साथ एक छोटा सा गेम खेलता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि आयरन मैन जब अपना मास्क निकालता है तो वो कौन है, तो सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं कि टोनी स्टार्क। फिर मैं बोलता हूँ टोनी स्टार्क का किरदार जो एक्टर प्ले करता है उसका नाम क्या है, तो सारे लोग एक साथ बोलते हैं कि रॉबर्ट डाउनिंग जूनियर। फिर मैं बोलता हूँ कि रॉबर्ट डाउनिंग जूनियर ये जो आयरन मैन का किरदार है वो कौन से कॉमिक बुक का किरदार है, तो सब एक साथ बोलते हैं मार्वल। फिर मैं बोलता हूँ मार्वल के और कौन कौन से सुपर हीरोज़ हैं, तो बोलते हैं थॉर, एंट मैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्पाइडर मैन। वो 7-8-10 नाम गिना देते हैं ना, वो ब्लैक विडो, हॉक आई, सब बता देते हैं वो। और फिर मैं पूछता हूँ कि 7 चिरंजीवियों का नाम पता है, तो सब ब्लैंक हो जाते हैं। तो सात तो मुझे भी नहीं पता, एक नहीं पता मुझे। हाँ तो 7 चिरंजीवी जो हैं उनका नाम है हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेदव्यास, राजा बलि और विभीषण। विभीषण विभीषण रावण के भाई हैं। राजा बलि सत्ययुग में थे जिनके लिए विष्णु ने वामन अवतार लिया था। परशुराम हमको पता है। कृपाचार्य जो हैं वो महाभारत से आते हैं और वो अश्वत्थामा के मामा हैं। हनुमान हमको पता है और अश्वत्थामा भी इससे आते हैं, द्रोणाचार्य महाभारत से, और वो द्रोणाचार्य के पुत्र थे और कृष्ण ने उनको श्राप दिया था। तो ऐसा है। तो सच में अश्वत्थामा है क्योंकि कई बार ऐसा न्यूज़ में मैंने थोड़े टाइम पहले भी ऐसी न्यूज़ देखी थी कि कुछ लोगों ने एक टेंपल के बाहर एक आदमी को देखा जिसके माथे पे से खून बह रहा है, तो उसको लोग अश्वत्थामा मानते हैं। तो सच में अश्वत्थामा है धरती पे अभी भी? अगर आप मानते हैं कि कृष्ण थे तो अश्वत्थामा है, अगर आप मानते हैं कि राम थे तो हनुमान है, अगर आप मिथ्या मानती हैं तो ये सब माइथोलॉजी है, और अगर आप सत्या मानती हैं तो ये सब सत्यालॉजी है। मैं सत्यालॉजी वाले साइड में हूँ। तो हाँ मैं तो मानता हूँ, और मैं इतना 6 साल का समय लगा के मैंने जो द हिडन हिंदू किताब लिखी है उसमें मैं इन सब के बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ। तो जब तक आप खुद इस पर भरोसा नहीं रखेंगे, आप इतनी शिद्दत से इतने साल लगा के ऐसा कुछ लिखने की कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। तो अपनी अपनी मान्यताएँ हैं भाई। हम मानते हैं, हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि भगवान हैं, मुस्लिम धर्म के लोग मानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होती है ना, और अल्लाह हैं। तो सबके सबकी अपनी पद्धतियां हैं, सबके अपने तौर तरीके हैं। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपनी अपनी मान्यता है, और मैं मानता हूँ कि श्रद्धा और मान्यता जो भी होंगी बड़ी खूबसूरत दिखती होंगी। आप की रिसर्च में न्यूमरोलॉजी है जी? थोड़ी बहुत समझ नहीं, मैं इन चीज़ों से पर्सनल लेवल पे अपने आप पे थोड़ा दूर रहता हूँ। मतलब मैं अपना हाथ दिखाना, अपना माथा दिखाना, अपना सनसाइन पढ़ना ये मैं नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ। पर मैं मानता हूँ न्यूमरोलॉजी पे, मैं मानता हूँ, पर मैं मानता हूँ इन अ सेंस इन जनरल मैं सब मानता हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे ये समझाएगा कि देखो तुम इस डे को ये करो, इस तारीख को ये करो, ये नंबर तुम्हारे लकी है, तो मैं उसको, जैसे मेरे को 9 नंबर और 7 नंबर दोनों बहुत फैसिनेटिंग लगता है। 9 क्यों लगता है? आप देखिए आपका मेरा जीवन ना 9 के फेर में फंसा हुआ है, हर तरफ 9 है। अगर आप देखेंगे तो कैसे वो 10 भी हो सकता था और 8 भी हो सकता था, लेकिन माँ के पेट में बच्चा 9 में नहीं रहता है ना। फिर 9 रस, 9 दुर्गा, 9 ग्रह है ना, और फिर आखिरी में जब वही बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है और मर जाता है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 9 ग्रहों की पूजा होती है। तो 9 मेरे को बड़ा मैजिकल लगता है। मैथमेटिक्स में भी 9 बड़ा मैजिकल है, लेकिन हमारे उसमें अब देखिए जैसे 18 दिन महाभारत चला था, 18 को 8 और 1 9 होता है, है ना। जितने अध्याय गीता में हैं, जितने श्लोक हैं, जो आप ऐसे माला जपते हैं ओम ओम, उसमें जो बीट्स होते हैं, जो रुद्राक्ष होते हैं, वो 108 होते हैं, तो 108 फिर 9 होता है। तो मैं 9 को इतना तो मानता हूँ कि अगर आप मेरे तीनों, जो अभी थर्ड पार्ट मेरी आएगी 9 अप्रैल को, आप मेरे तीनों किताबों को उठा के देखेंगे तो मेरे पहले किताब में 14 चैप्टर हैं,
मेरे दूसरे किताब में 14 चैप्टर है और मेरे तीसरे किताब में 17 चैप्टर है। जब आप 14 + 14 + 17 करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा वो 9 आएगा। तो मुझे फैसिनेटिंग लगता है, मुझे मज़ा आता है 9 के आसपास। और 7? 7 चिरंजीवी हैं, 7 सुर हैं, 7 रंग हैं। मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट नंबर 7 है, है ना? तो 7 दिन होते हैं, तो बनाने वाले पता नहीं क्यों, पर 7-8 दिन भी तो बन सकता था ना। 365 की जगह 366 दिन हो जाता और वो 7 हो जाता, पर 7 है नहीं, है ना? फिर आप देखिए 9 पे, मैं सॉरी वापस जा रहा हूँ, जब आप किसी भी सर्कल या ट्राइंगल या स्क्वायर किसी भी चीज़ का जब आप वो निकालेंगे ना तो वो 9 निकलता है। जैसे 90 डिग्री 90 का डबल जब आप कर देते हैं 180 डिग्री, है ना? पूरा सर्कल करते हैं तो 360 हो जाता है, वो फिर 9 है। अब आप 360 को जितना भी छोटा करते जाएंगे, है ना, जब आप 360 से घटा के 180 से 90 से 45 लाएंगे तो भी 9 है। 45 का आधा करेंगे तो पॉइंट के बाद जो लगे ना उसका भी टोटल 9 है। तो कुछ तो है ना इनके आसपास, नहीं तो ये सब अलग अलग क्यों नहीं है कि भाई यहाँ पे 9 है तो वहाँ 8 हो जाए उसका टोटल, या उसका 6 हो जाए, नहीं वो 9 ही होता। तो हाँ बस मुझे इंटरेस्टिंग लगता है बस। कई बार लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि रावण अच्छा इंसान था, बस एक गलती हो गई, 4 वेदों का ज्ञाता, सबसे बड़ा पंडित, है ना, मतलब अच्छा इंसान था, अगर बस लास्ट वाली गलती नहीं होती तो उससे अच्छा इंसान कोई नहीं था। तो आपको लगता है रावण अच्छा ही था? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कलयुग का प्रकोप है कि हम रावण में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान का अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है, है ना? या कोई बहुत अच्छा वक्ता है तो वो अच्छा ही आदमी होगा इसका, नहीं तो हिटलर तो बहुत अच्छा वक्ता था, हिटलर को ज्ञान भी बहुत था। हालांकि हिटलर और रावण का कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं आपको वापस रावण पे लेके चलता हूँ। देखिए, ऐसा होता है ना कि एक लाइन है हमारे, बार बार आता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। इसका मतलब ये है कि जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ेगा तो किसी न किसी रूप में मैं लौट के आऊँगा, है ना? तो राम जब पैदा हो रहे थे तभी उसके पाप का घड़ा भरने लग गया था रावण का, है ना? वो ऑलरेडी इतना कुछ कर चुका था कि राम, विष्णु को राम अवतार लेके आना पड़ रहा था। तो सिर्फ क्योंकि मैं रोज़ सुबह शाम पूजा करता हूँ इसलिए मेरे को छोटी बहुत गलतियाँ करने अलाउ है, ऐसा भी नहीं। ये गंगा में जाके नहा लो सारे पाप धुल जाएंगे वाला सिस्टम मैं नहीं मानता बिल्कुल भी। ये पाप पाप है, आपने किया है तो आपको भुगतना पड़ेगा, है ना? तो रावण ने एक नहीं कही, और ये बिल्कुल गलत बात है कि उसने बस एक ही गलती की थी, वो एक ही युवती को उठा लाया था। वो सीता के पहले भी कई युवतियों को उठा लाए, ऐसे भी राइटअप्स हैं, ऐसे भी स्क्रिप्चर्स हैं जिसमें रावण ने सीता के पहले भी लोगों को उठाया। रावण ने कई लोगों का वध किया है। आप रावण का सीता के पहले, मतलब हम जब पढ़ते हैं ना तो हमको पता चलता है कि एक रोज सूर्पनखा की नज़र लक्ष्मण पे पड़ी, सूर्पनखा मोहित हो गई। लक्ष्मण ने बोला कि नहीं नहीं मैं तो, उन्हें राम पे पड़ी, राम मोहित हो गए, और राम ने बोला नहीं नहीं मैं तो, आप लक्ष्मण से बात कीजिए। तो लक्ष्मण के पास गए तो लक्ष्मण गुस्सैल हैं, तो लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी। तो सूर्पनखा रावण की बहन थी, फिर सूर्पनखा गई रोते रोते रावण के पास, और तब आप पहली बार रावण को देखते हैं कहानी में। हाँ, वहाँ से आते हैं जब आप देखते हैं, पर ऐसा है नहीं। इसके पहले रावण की बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। रावण राजा बलि से लड़े थे, रावण को एक बार परशुराम छुड़ाए थे, बहुत सारी कहानियाँ रावण की। तो रावण का जो लंबा, मैं तो इतिहास ही बोलूँगा, वो बहुत शक्तिशाली था, और शक्ति के साथ घमंड आना आज के लिए बहुत नॉर्मल हो गया है। शक्ति के साथ घमंड आना उस समय नॉर्मल नहीं था, है ना? उस समय देखिए, हमको बचपन से सिखाया जाता है कि पेड़ में जितने फल आए पेड़ उतना झुक जाता है, ठीक है ना? तो कुदरत ने हमको ऐसा बनाया है कि आप में जितना ज़्यादा देने के लायक होंगे आपको उतना झुक के हम्बल होना पड़ता है। आज की डेट में आप कितने सेलिब्रिटीज़ को जानते हैं जो मैं बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ,
है ना, मुश्किल हो गया सबसे मिलना, बात करना। तो ये सब उस समय के लिए बहुत नॉर्मल था कि जो जितना ऊंचा होता था वो उतना कृतज्ञ होता था, वो उतना डाउन टू अर्थ होता था। अब देखिए जो लाइन है डाउन टू अर्थ, आपने सुना होगा ना, वो इज सो डाउन टू अर्थ, आई मेट हर शी इज सो डाउन टू अर्थ। ये डाउन टू अर्थ लाइन आपने सोचा है कहाँ से आता है? आपने कभी उड़ता हुआ पेड़ देखा है? पेड़ नहीं उड़ सकते ना, नहीं उड़ सकते। क्यों नहीं उड़ सकते पता है? क्योंकि कुदरत ने हमको ऐसा बनाया है कि एक पेड़ तभी तक जिंदा रहेगा जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, ठीक है। जब तक हम अपने रूट से जुड़े रहेंगे, अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे, अपने पुराने समय की सीख से जुड़े रहेंगे, हम तभी तक जीवित रहेंगे, है ना। तो वो जो बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ, और उसी पे दूसरी तरफ में लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत उड़ता है, है ना। अब आप इसको जोड़ो कि जब आप ये बोलते हो कि अरे बहुत उड़ता है, तो आप नेगेटिवली बोलते हैं, नेगेटिवली बोलते हैं। और जब आप बोलते हो जमीन पे रहता है, तो आप बहुत पॉजिटिवली है ना। तो ये बड़े पुराने समय की आई हुई बातें हैं ना, अभी कल तो बनी नहीं है। तो रावण बहुत सारी गलतियां बहुत समय से कर रहा था। जब उसके पाप का घड़ा भरने लग गया था, तब राम आए थे और ये पूरी संरचना की गई थी कि हम ऐसा करेंगे तो फिर शुभनखा जाएगी, तो फिर रावण आएगा, तो फिर ये होगा। तो ऐसे भी पुराण लिखे हुए हैं जिसमें सीता ने ही रावण को मार दिया था खुद ही, पर फिर उसमें पुरुष समाज को सेटिस्फैक्शन कब मिलता है ना, तो फिर जो ज़्यादा चला है वो ये है कि राम जाके और सीता को बचा के लाए, नहीं तो वो खुद बड़ी, वो जो राम ने जो धनुष उठा लिया था जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के चक्कर में वो धनुष टूट गया पिनाका जी। आपको मालूम है कि किस बेसिस पे ये बोला गया था, मतलब परशुराम ने राजा जनक को ये धनुष गिफ्ट किया था ना, और कहा था कि जो व्यक्ति इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, पीछे वाली डोरी को प्रत्यंचा कहते हैं, जो व्यक्ति इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा ना वो सीता के लिए सही वर है। फिर जब स्वयंवर हो रहा था तो बाकी जितने धुरंधर आए थे वो तो उस धनुष को उठा ही नहीं पाए, हिला ही नहीं पाए, है ना। तो आप ये सोचो कि परशुराम ने किस बेसिस पे बोला था कि इस लड़की का वर वो होगा। भाई आप कंपैटिबिलिटी देखते हो ना, एक सामंजस्य बिठाना होता है ना। तो परशुराम को पता था ना कि सीता कौन है, उसके बेसिस में बोला गया ना कि जो इस धनुष को उठा के इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो लायक होगा सीता के। स्वयं वधु नहीं होता था ना, स्वयं वर होता था। महिलाएं चुनती थी कि मेरे साथ रहेगा कौन, ठीक है। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि जब राजा जनक को परशुराम ने लाके धनुष गिफ्ट किया था, तो उस समय सीता ने उसको उठा दिया था बचपन में ही उठा दिया था। उस चीज को देख के परशुराम ने बोला था कि इतनी शक्तिशाली है तो इसका साथ देने वाला तो इसके बराबर का शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए ये बात आई थी कि जो उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो इसके काबिल है। तो हमको सिर्फ आधी पता है, हमको बाकी की आधी पता ही नहीं। तो सीता जैसा हमने देखा ना कि सीता बिल्कुल अबला नारी जैसे रो रही है और राम राम कोई मेरे राम को बुला दो, ये एक वर्जन है। एक और कमाल का वर्जन है जिसका मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि सीता ने वध कर दिया था रावण का। राम के पहुंचने पहले सीता ने वध कर दिया था रावण का, सीता सिर्फ राम के साथ लौट के आई थी। मैं इसका और प्रमाण देता हूँ आपको कि ऐसा अगर किसी ने लिखा था तो क्यों लिखा था। देखिए आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिल के बनाते हैं एटम, करेक्ट। क्रिएटर डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर मिल के बनाते हैं धरती सृष्टि प्रकृति, ब्रह्मा विष्णु और महेश मिल के बनाते हैं शक्ति। तो जब महिषासुर आया था उसको कोई नहीं हरा पा रहा था, तो शक्ति ने दुर्गा का अवतार लिया और इन तीनों ने अपने वेपन्स दिए। दुर्गा जी ने शिव जी का धनुष लिया, विष्णु जी का चक्र लिया और ब्रह्मा जी का कमंडल लिया। कमंडल जो है उनका, उसके अंदर पूरे यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी है, ठीक है। और कोई भी देवता इन तीनों को एक साथ धारण नहीं कर पाता है, लेकिन दुर्गा तीनों को धारण करने की शक्ति रखती थी क्योंकि वो शक्ति का ही रूप थी।
तो इसीलिए हम लोगों में पहले महिलाओं का नाम लिया जाता था। ये तो हम वेस्टर्न कल्चर से इतने प्रभावित हैं कि अब मेरी समकक्ष को मेरा सरनेम लेना पड़ेगा या उनको लिखना पड़ेगा कि मेरा नाम इज एक्स वाई जी अक्षत गुप्ता, है ना। ये तो पूरा सिस्टम ही गलत है। और लोग बड़ा ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं कि रामायण और महाभारत ये सब लड़कियों के कारण हुआ, औरतों के कारण हुआ। सुना होगा ना आपने, है ना, कि अरे ये सब सारे झगड़े फसाद यही करवाती है ना। हाँ, सुना। ये तो मजाक है। असल में मेरी ये सोच है, कुछ लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ कि अगर हमारी ना पेट्रियार्की सोसाइटी है, पेट्रियार्की सोसाइटी मतलब पुरुष प्रधान, है ना, और मेट्रियार्की सोसाइटी मतलब महिला प्रधान। अगर हमारी उस समय मेट्रियार्की सोसाइटी होती तो रामायण और महाभारत नहीं होता, इतने लोग मरते नहीं, क्योंकि आप लोग हमेशा से हमसे ज़्यादा समझदार हो, आप लोग ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो। तो शक्ति का रूप दुर्गा और सीता, ये लोग कहीं किसी भी मायने में शिव से, विष्णु से, राम से कमतर मत नापियो। वो अपने आंचल के अंदर अपनी पूरी शक्ति भी समेट के अपने दायरे में रहना सिखाया गया। लक्ष्मण रेखा क्या है, हम उसको कैसे देखते हैं कि उस तीर से लक्ष्मण ने एक लाइन खींची और बोली इसके बाहर मत जाना। ये तो सांकेतिक है। लक्ष्मण रेखा हर महिला के साथ आज भी लगा हुआ है कि अब आप शादी के बाद अगर आप अपने सास ससुर के साथ हैं तो आपका मन हो चाहे ना हो, आपको रोज़ सिंदूर लगाना है, मंगल, इसमें बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो स्वेच्छा से हो तो अच्छी बात है, मजबूरी में हो तो अच्छी बात नहीं है ना। लेकिन आपको वो करना पड़ता है, क्यों? आप शादी के बाद कितने घरों में आपको पता है कि जो बहू है वो जीन्स और टी शर्ट पहन के कमरे के भी बाहर आ जाए, घर के बाहर जाना तो भूल जाइए, नहीं हो सकता। उसी को कहा गया लक्ष्मण रेखा कि ये लक्ष्मण रेखा, इसको पार मत करना। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि लक्ष्मण जी ने तीर निकाला? नहीं, नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन हर वो चीज़ जो हमारी हमारी कहानियों में ना रिधिमा बहुत सारी बातें ना हमने उसको लिटरली ले रखा है, पर हर चीज़ हमारे लिए लिटरली नहीं है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। हर गाँव में आप आज भी पूरे देश के किसी भी गाँव में जाइए, आपको दो पेड़ उस गाँव के अंदर ज़रूर मिलेंगे, एक है पीपल का पेड़ और दूसरा है बरगद का पेड़। जितने पुराने गांव में आप जाएंगे ना उतना बड़ा पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ मिलेगा, उस पे अनगिनत मौलियाँ बंधी रहेंगी, रक्षा सूत्र बंधे रहेंगे, है ना, चार भगवानों की तस्वीरें नीचे रखी रहेंगी, है ना, आसपास चबूतरा बन जाएगा। आपने सोचा है कि 200-500 साल पुराने ये बरगद और जो पीपल बढ़ गए हैं, ये गाँव के बीच में होने के बाद जहाँ लगातार लकड़ियाँ कटती हैं, ये पेड़ क्यों नहीं कटे? मैं आपको बताता हूँ, साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ इसकी। हम ना सांकेतिक तौर पे समझाना, वो लोग समझा कुछ और रहे थे, हमने लिटरली पकड़ रखा है। अब देखिए, उस समय के लोग कम पढ़े लिखे होते थे, तो उनको ये समझाना कि देखो भाई ये जो पेड़ है ना ये ऑक्सीजन देता है, आज तो हम पढ़ लेते तो मान लेते हैं, उस समय के आदमी को आप कैसे समझाते कि सुनो पेड़ ऑक्सीजन देता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, नहीं मानते। लेकिन जो थोड़े से बुद्धिजीवी थे ना, जिनको मालूम था कि पेड़ हमारी जान बचाता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब आपको पता नहीं कितना पता है, लेकिन ज़्यादातर पेड़ पौधे जो हैं वो लोग, ज़्यादातर पेड़ रात को वो लोग भी ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हैं, मगर पीपल और बरगद के वो पेड़ हैं जो रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। तो इसीलिए पुराने समय में बोला जाता था कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, भूत पकड़ लेता है, सुना है ना? हाँ, सुना है। वो इसलिए बोला जाता था क्योंकि पहले गांव के आसपास इतने ज़्यादा घने जंगल और पेड़ पौधे होते थे कि रात को अगर आप एक पेड़ के गुच्छों के बीच में सो गए हो तो आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि सारे पेड़ ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, भाई हम इनहेल करेंगे, हम मर जाएंगे। इसलिए उस समय समझाया गया कि देखो पीपल और बरगद में भगवान का वास होता है, तो लोग उस पर रक्षा सूत्र बांध के पूजा करने लगे। अब जिस चीज़ की पूजा होती है उसको काटा तोड़ा नहीं जाता, इसीलिए आज तक वो पेड़ बचे हुए हैं, क्योंकि उस समय जंगलों में पीपल और बरगद का होना इसलिए ज़रूरी था ताकि रात को गाँव में ऑक्सीजन की कमी ना पड़े, ऐसे छोटे से गाँव जो जंगल के बीच में।
तो वो सांकेतिक तौर पे समझा दिया गया था कि पेड़ में भगवान बसते हैं, ये दोनों में काटना नहीं इसको. कौन माथापच्ची करे समझाने में कि सुनो ऑक्सीजन, वो ही बोलेंगे ऑक्सीजन दिखती है. कौन लड़ेगा उनसे और कौन दिखाएगा उनको. वैसे ये सब सांकेतिक है कि एक महिला को समझाया गया कि देखो ये आपका घर है, ये आपका चबूतरा है, इस ये मैंने लक्ष्मण रेखा खींची है, इसके इधर मत आना, और इसके इधर आए तो क्या हुआ, रावण ले गया. तो ये है कि ये आपकी मर्यादा की लांग है, इसको क्रॉस मत करो नहीं तो अच्छा नहीं होगा. अब आज हम सीधे सीधे बोलते हैं कि ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा. हाँ. है ना, धमकी. वो तरीके से था कि देखो आप परिवार की महिला हैं, आप परिवार का मान सम्मान इज्जत आपके हाथ में है, और उसको संभालने का एक सहेजने का एक सलीका है, उस दायरे में रहो. पर हमने उसको लिटरली ले रखा तो ऐसा है. सॉरी आंसर थोड़ा लंबा हो गया. पर वो मैं कहीं से कहीं आपको, भाई हम बात कर रहे हैं, अगर सुनने वाले को पूरी बात हमारी समझ ही ना आए तो वो नीचे आपको कमेंट में लिखेगा कि क्या बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हैं. तो नहीं साहब, बेवकूफ़ों जैसी बात नहीं कर रहे हैं, समझदारी वाली बात कर रहे हैं. आपको, आप कितने समझदार हैं, आप इसमें से कितना समझ पा रहे हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिए. तो अगला क्वेश्चन, जब कल की अवतार आएंगे, कलयुग खत्म होगा, उसके बाद दोबारा से चारुयुग शुरू होंगे, दोबारा रामायण होगी, दोबारा महाभारत होगी जी, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, मतलब बार बार होता रहेगा. okay. जैसे कितनी बार अवतार okay. लेंगे वो. okay. शिव जी के हाथ में डमरू देखा है आपने, डुक 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 डुक, है ना, देखा है ना. हमारा ऐसा मानना है, हमारा मतलब हमारे पूरे धर्म का ऐसा मानना है कि सत्युग के बाद, आप मेरे हाथ को ध्यान से देखिएगा और आपके व्यूअर्स भी देखेंगे, सत्युग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद सत्युग, ये क्या बना, डमरू. डमरू है ना. अब जब आप इसको जल्दी जल्दी लाइन से ऐसे करती जाएंगी, जल्दी जल्दी करती जाएंगी, तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी. हाँ. और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग, अंतहीन. तो सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के बाद वापस सत्युग आता है. इसके मैं आपको और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ. तो जब राम सब हो गया, राम का समय मतलब विष्णु जी का राम अवतार का वक्त पुर गया, जितने समय उनको पृथ्वी में रहना था, अब उनको जाना था वापस विष्णु अवतार बन के. उनके एक सेवक है हनुमान, जो उनसे अथाह प्रेम करते हैं, वो उनको जाने नहीं दे रहे थे. तो बोले प्रभु, या तो मैं आपके साथ चलूँगा या आप यहाँ मेरे साथ रहिए, है ना, आप जहाँ जाएंगे मैं जाऊँगा. लेकिन हनुमान तो सात चिरंजीवियों में से हैं, उनको तो यहीं रुकना है और राम को जाना है, तो ना वो हनुमान यहाँ से जा सकते हैं और ना राम यहाँ रुक सकते हैं. उसका सेटलमेंट कैसे होता, मैं आपको बताता हूँ. जब राम को समझ में आया कि ये हनुमान मुझे प्यार से जाने नहीं देगा, तो हनुमान ने ज़मीन में एक छोटा सा क्रैक बनाया, सॉरी राम जी ने एक छोटा सा क्रैक बनाया, उन्होंने अपनी एक अंगूठी उतारी और उस क्रैक में गिरा दी, और उन्होंने बोला उप्स, हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई, जाइए लेके आइए. हनुमान हुए सूक्ष्म रूप में और घुस गए क्रैक के अंदर. अब वो जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए पाताल लोक पहुँच गए. पाताल लोक में उनको शेषनाग मिले. शेषनाग बोले कि प्रभु हनुमान आप यहाँ क्या कर रहे हैं. तो हनुमान जी ने बोला मेरे प्रभु राम की वो एक अंगूठी गिर गई, बस वही ढूंढ रहा हूँ, आपको दिखे क्या कहीं. तो शेषनाग मुस्कुराने लगे. तो बोले कि क्यों, क्या हो गया, आप क्यों मुस्कुरा रहे. तो उन्होंने बताया कि पीछे पलट के देखिए. तो जब वो पलटे तो पीछे अंगूठियों का एक पहाड़ बना हुआ था. तो हर बार जब रामायण होता है तो राम ऐसे ही हनुमान को बुद्धू बना के चले जाते. हर बार वो जो अंगूठी गिरती है वो वहाँ जमा हो रही है. तो आप सोचिए कि कितनी बार रामायण हुआ, जितनी वहाँ अंगूठियों का जितना बड़ा पहाड़ है उसमें जितनी अंगूठियाँ हैं उतनी बार रामायण हुआ है, उतनी बार हनुमान छूटे हैं, उतनी बार राम हनुमान को छोड़ के गए. तो ये अनंत काल है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा, जब तक सूर्य ख़त्म नहीं होगा, जब तक पृथ्वी ख़त्म नहीं होगी. पर जब यहाँ सूर्य और पृथ्वी ख़त्म होगी तो कहीं और सूर्य और पृथ्वी शुरू होगी, और फिर सत्ययुग से लेके कलयुग तक का चक्र चलता है. देखिए फॉरेन कल्चर जो है ना, वेस्टर्न कल्चर, उसमें माना जाता है कि टाइम लीनियर है.
टाइम आगे बढ़ रहा है। हम कहते हैं काल चक्र, हमारा समय गोल है। और इतना सिंपल है ना कि समय तो गोल ही हो सकता है यार, क्योंकि दीवार पे जो घड़ी लगी होती है वो भी गोल होती है। आप उसको बाहर से कोई भी शेप दे दो लेकिन उसके अंदर के कांटे ना गोल गोल ही घूमते, चौकोर तो नहीं घूमते ना, नहीं घूमते। पृथ्वी का पूरा समय सूरज और चांद के हिसाब से डिवाइडेड है, और पूरा जो समय काल है वो पृथ्वी का है ना, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूम रही है वो गोल घूम रही है, सूरज गोल है, चांद पृथ्वी के आसपास घूम रहा है वो गोल घूम रहा है, चांद खुद गोल है। जब सब कुछ गोल है जिसके बेसिस पे हम समय का निर्धारण कर रहे हैं, हम टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सूरज उगता है तो अगले दिन की सुबह हो जाती है और चांद दिखता है तो अगले दिन की रात हो जाती है। तो पूरा टाइम कैलकुलेशन जिन पॉइंट्स पे बेस्ड है वो सब राउंड है, तो टाइम लीनियर कैसे हो सकता है? टाइम तो हैज टू बी राउंड। ट्रू, ऐसा मूवी आई थी ब्रह्मास्त्र जी उसमें जैसा दिखाया गया था कि ऐसे करके उन्होंने प्लेट्स जोड़ दी और वो ऐसे ब्रह्मास्त्र बन गया, तो ऐसी कोई प्रॉपर शेप है ब्रह्मास्त्र की? नहीं, मुझे दुख है कि ऐसा हुआ फिल्म में पर ठीक है, फिल्म है, फिल्म को थोड़ा सा डिस्काउंट दे देना चाहिए हमेशा। हम वो बनाना चाहते हैं जो देखने में मज़ा है, वो करते करते कई बार असली सच्चाई, मतलब हम तो बायोग्राफी भी बनाते हैं तो उसको भी थोड़ा ड्रामेटिक कर देते हैं, नहीं तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा ना। लेकिन नहीं, ब्रह्मास्त्र का या किसी भी अस्त्र, किसी भी दुनिया के अस्त्र का कोई शेप नहीं है, वो आपकी, आपके अंदर जितनी क्षमता है उतनी, आप जितने प्योर हैं और आपकी शक्ति जितनी है उसके हिसाब से आपके हर अस्त्र की शक्ति होती है, और उसको आप किसी भी चीज़ के अंदर कंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर आप में शक्ति है तो आप एक कांच के ग्लास को भी कोई भी अस्त्र बना सकते हैं, आप घास के एक ब्लेड को, एक तिनके को भी बना सकते हैं, आप एक पिन को भी बना सकते हैं। और ना ही ऐसा कुछ है कि हर अस्त्र किसी तीर में ही आता है, नहीं। आम तौर पे अस्त्रों को तीर में इसलिए लिया जाता है क्योंकि तीर दूर तक जाता है चलाने पर, अगर आप तलवार में अस्त्र उतारेंगे तो फिर आपको तलवार लेके जाना पड़ेगा ना, हाँ। इसलिए मान्यता ऐसी है कि आप देखते ना ऐसे करके कुछ बोले और चमक गया, वो सब समझाने के लिए है, क्योंकि और हुआ भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन किसी चीज़ में तो कंटेन कोई अस्त्र कभी नहीं है। होता तो अभी तक हमने इतना कुछ खोज रखा है दुनिया भर में और दुनिया के बाहर कि वो हबल टेलीस्कोप है एक, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या ले आया ढूंढ के, तो हम वो शेप साइज तो ढूंढ ही लेते अगर होता तो, नहीं वो सब नहीं है, वो सब गलत बात। ब्रह्मास्त्र सबसे ताकतवर अस्त्र है? नहीं, उसके ऊपर ब्रह्मशिरा है, ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा ताकतवर ब्रह्मशिरा है, उस ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा ताकतवर त्रिशूल है, ब्रह्मास्त्र से ज़्यादा ताकतवर चक्र है, सुदर्शन चक्र जी। ब्रह्मशिरा का कहीं वर्णन नहीं दिखा, किसी ने यूज किया? हाँ हाँ, ब्रह्मशिरा जब ये अर्जुन और अश्वत्थामा का फाइट हुआ था तो एक ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, दूसरे ने ब्रह्मशिरा चला दिया था और फिर उनको रोका गया था, तो चला है कई बार, दो तीन बार है जिक्र ब्रह्मशिरा का। लेकिन आप देखिए ना कि एक समय में जब पृथ्वी में एटम बम बना था है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे पहली बार गिराया गया था, तो उस समय एटम बम ही सबसे बड़ा होता था, तब पूरी दुनिया एटम बम कर रही थी। उसके बाद न्यूक्लियर बम बना तो फिर सब न्यूक्लियर बम कर, तो अभी हम ब्रह्मास्त्र तक ही पहुँचे, अभी हम पहुँचेंगे ब्रह्मशिरा पे भी, न्यूक्लियर वेपन से ऊपर कुछ बन। आपने तो बोल दिया ऐसे, हर जगह आपको वो दिखता होगा क्रिएटिव्स कि न्यूक्लियर वेपन इज़ नथिंग बट ब्रह्मास्त्र, है ना, कि उस समय का जो ब्रह्मास्त्र था उसमें उतनी ताकत थी जितनी अभी के न्यूक्लियर वेपन में। अब आप सोचिए कि हम किसी दिन अगर कोई ऐसा वेपन बना लेंगे जो न्यूक्लियर वेपन से भी बेटर होगी, तो उसको कोई नाम और किसी से कंपेयर तो करना रहेगा ना, तो उसके लिए हमने ब्रह्मशिरा बचा रखा। अच्छा, और साथ में ये हम लोगों की बीमारी है, देख, और ये पूरी दुनिया की बीमारी है। तो एक बड़े कमाल के सिंगर थे फॉरेन में, उनका नाम था एल्विस प्रेस्ली, तो वो कमाल के सिंगर थे, तो उनको बोल दिया गया किंग ऑफ पॉप, और सॉरी गॉड ऑफ पॉप, उनको बोला ये गॉड ऑफ पॉप है। वो 70s में थे, वो पता नहीं मर खप गए कहीं, फिर बहुत साल बीता, फिर माइकल जैक्सन आया। अब असल में आप देखोगे तो माइकल जैक्सन का फैन फॉलोइंग एल्विस प्रेस्ली से भी ज़्यादा था, क्योंकि अब
आबादी भी ज़्यादा हो गई थी, सुनने वाले बढ़ गए थे, गाना लोगों तक पहुंचना आसान हो गया था, तो ज़्यादा फॉलोइंग थी। लेकिन अब गॉड ऑफ पॉप की उपाधि तो आपने दे रखी है किसी और को, तो इनको दे दिया किंग ऑफ पॉप। अब आप सोचो कि आज की डेट में अगर कोई ऐसा सिंगर आ जाए जो इन दोनों से बेहतर हो तो उसको कैसे दे पाओगे, क्योंकि गॉड ऑफ पॉप के ऊपर तो कोई सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा अच्छा करियर किसी का निकलेगा तो गॉड ऑफ क्रिकेट तो आपने सचिन जी को बोल रखा है। किसको देंगे और कैसे देंगे, कैसे देंगे। तो ऐसे ही है बस, हमने फिर भी कुछ चीज़ें बचा रखी हैं आगे के लिए। तो फिर ब्रह्मशिला की एक मूवी भी आएगी आगे जाके, मुझे लिखने देंगे तो ज़रूर आ जाएगी। कास्टिंग में बता दूंगी आपको। ठीक, कास्टिंग में मैं आपको भी डलवा दूंगा। बिल्कुल डलवा दीजिएगा। हाँ और बताइए, हम इस बुक की वजह से ही मिले आज जी। आपने इस बुक का नाम द हिडन हिंदू ही क्यों रखा? देखिए, इस कहानी में मेरा जो मुख्य पात्र है उसका नाम ओम शास्त्री है, और वो ये कह रहा है कि मैं देवभूमि भारत में सत्युग से हूँ जिंदा, मेरी उम्र नहीं बढ़ती, मैं मरता नहीं हूँ, और मैं पकड़ में आया हूँ अब कलयुग में 2020 में। मैं चारों युगों का हिस्सा रह चुका हूँ, मैं रामायण में भी था और महाभारत में भी, मैं राम से भी मिला हूँ और कृष्ण से भी, और मैं वो आठवां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं है, और मैं ढूंढ रहा हूँ उन सात चिरंजीवियों को जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस अभी सात नाम पे भी हम बात कर चुके हैं या करेंगे, कर चुके हैं। हाँ, तो वो सात नाम जिन पे हम बात कर चुके हैं उन सातों को ये ढूंढ रहा है। अब सात चिरंजीवी अगर हैं, अगर सात वो सात के साथ चिरंजीवी हैं, मतलब अमर हैं, अब अमर हैं तो कहीं तो होंगे, पर आपको और मुझको तो नहीं दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं तो छुपे होंगे ना, और ये सत्युग से छुपा हुआ था अब पकड़ में आया, तो इसलिए किताब का नाम है द हिडन हिंदू। और मुझसे कई लोग ये भी पूछते हैं कि आपने हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, है ना, आप कुछ भी नाम रख सकते थे, मतलब हिंदू शब्द का इस्तेमाल क्यों, क्योंकि आज भी हम में से बहुत लोग इस बात से डरते हैं कि सीधे सीधे हिंदू मत बोलो, है ना, मैं हूँ हिंदू, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं हिंदू हूँ। तो जब अगर ये सवाल जब पूछा जाता है कि द हिडन हिंदू, द हिडन मैन हो सकता था, द हिडन आइडेंटिटी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, हिंदू क्यों, तो उस पर मेरा जवाब ये है कि ये मेरी लिखी कविता है जो बहुत कम लोगों ने अब तक सुनी है, कि रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में वहाँ आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सिया व राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू। तो हम हर जगह हैं, तो हम अपना नाम लेने से क्यों गुरेज करें। तो इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, आगे भी वीडियोस बनेंगे तो तब के लिए बचा के रखते हैं बाकी बातें, ठीक है। ये हमारा मास्टर कैमरा है, आप इसमें देख के बुक के बारे में, इस चैनल के बारे में, या फिर इन जनरल टू पीपल आप कुछ भी बोलना चाहते हो तो आप यहाँ देख के बोल सकते हैं। ये रिद्धि हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, रात को लगभग 12-1 बज गया है, हम दोनों यहाँ बैठ के मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसलिए इनको सुनिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कौन हूँ? हाय गाइस, माय नेम इज़ अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट, लगभग ये सारे रूप आप पहले देख चुके हैं। मैंने एक ही किताब लिखी है, इसका नाम है द हिडन हिंदू, ये पार्ट टू है, इसका पार्ट वन भी बाहर है, दोनों नेशनल बेस्ट सेलर्स है, थर्ड और फाइनल पार्ट रिलीज हो रहा है 9th of April, अभी खरीदिए, पढ़िए, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, 1,00,000 कॉपीज से ज़्यादा निकाल चुके हैं, मुझे बहुत जल्दी है 10,00,000 कॉपीज़ पहुँचने की, नीड योर हेल्प।